सारी चीज़ों को आप लोगों को बराबर ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाता है। कंपनी वाला कुछ और बोलता है, एजेंट वाला कुछ और बोलता है। 150 KD वो सैलरी रहे, सैलरी ही रहे, और 150 KD वो सैलरी मतलब खाने का बेस के लिए अलग से रहे, तो मतलब एक दिनार अगर जो यहाँ मिल जाता है तो वो इंडिया का बन जाता है 272 रुपये। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है करो वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भाई कि आप लोग अगर जो कुवैत में आ रहे हो तो आपको कम से कम कितने सैलरी में आना चाहिए, जितने में आपका मतलब आप अच्छे से अच्छा घर पर पैसा भी भेज सकते हो, और इस कुवैत में जो है कि खर्चा कितना होता है, बचता कितना है, मोबाइल का रिचार्ज का कितने का जाता है, खाने का कितना जाता है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, बने रहिए। क्योंकि मैं अभी कुवैत में हूँ, मेरे को 2 साल हो गया, तो मैं पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को कि कुवैत में जब आप लोग आए तो कितने सैलरी में मैक्सिमम कितना सैलरी रहेगा आपका, तब आपका फायदा हो सकता है, और कितने सैलरी रहेगा तब आपको कुवैत में आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कुवैत का जो एक दिनार का रेट है, 1 KD का रेट है, वो रेट आप लोगों को बता दूं, अभी चल रहा है 272। मैं इधर की स्क्रीन शॉट लगा देता हूं, आप लोग देख लेना, मतलब इधर का 1 रुपया कुवैत, मतलब इधर का 1 रुपया कुवैत का 1 KD, यहाँ कुवैती दिनार बोलते हैं, और ये जाके इंडिया में बनेगा मतलब अराउंड 272, मतलब 272 रुपये बनेंगे, मतलब एक दिनार के, सोच सकते हो, मतलब एक दिनार अगर जो यहाँ मिल जाता है तो वो इंडिया का बन जाता है 272 रुपये। तो उसी हिसाब से आप जब कभी भी आएँ कुवैत में तो आपका जो सैलरी है, कम से कम कोशिश करें कि मेरा जो सैलरी है 150 से ऊपर ही ऊपर रहे, मतलब 150 KD से ऊपर ही ऊपर रहे, क्योंकि अभी जो यहाँ है भाई कि आपका जो खाने का है, खाने का कम से कम आपका 20 दिनार चले जाता है, ठीक है, खाने में, और जो मोबाइल खर्चा है, मोबाइल का रिचार्ज का जो है, यहाँ रिचार्ज कितने का पड़ता है मालूम, 1200-1300 रुपये का इंडिया का, और यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो आपका 5 दिनार लगता है, मैक्सिमम 5 दिनार लगता है हर महीने का, या तो आप हर महीने नया सिम कार्ड लेके भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ अगर जो देखा जाए, आपको अगर जो पैसे बचाने हैं तो आप हर महीने सिम कार्ड भी ले सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर है, आप अगर जो अपना नंबर नहीं चेंज करना चाहते तो आप सिम कार्ड नहीं लेके रिचार्ज ही करवाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपका जो खाने का है 20 से 25 दिनार लग जाएगा, 20 दिनार अगर जो हम नॉर्मली खाएंगे तो 20 दिनार, और आप थोड़ा अच्छे से खाएंगे या तो हम लोगों का 20 से 22 दिनार आता है, आप लोग अच्छे से खाएंगे तो आप लोगों को 20 दिनार तो पकड़ के चलो, मैक्सिमम 20 दिनार, 5 दिनार मोबाइल का, 25 दिनार, 25 दिनार आपका ये चलेगा, तो बचा कितना 125। 125 में भाई मतलब 130 KD लगाते हैं, 110 KD लगाते हैं, तो आपका बनता है कितना, 30,000 या 35,000 बनता है। तो आप उसी हिसाब से आए कि मतलब जो 150 KD है वो सैलरी रहे, सैलरी ही रहे, और 150 KD वो सैलरी मतलब खाने का बेस के लिए अलग से रहे। आप कुवैत में कभी भी आएंगे तो आपको खाने का पैसा अलग से मिलेगा, ये चीज़ कभी भी याद रखना कि कुवैत में जब कभी भी आ रहे हैं तो आपका जो है खाने का पैसा अलग से मिलता है, सैलरी अलग से मिलती है, ये बात ध्यान में रखना। नहीं तो कोई लोग क्या होता है कि मतलब उसी में डायरेक्ट पूरा जोड़ के बताते थे, फिर इधर आके पता चलता है कि मतलब खाने के अलग है, सैलरी का अलग है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बराबर ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाता है, कंपनी वाला कुछ और बोलता है, एजेंट वाला कुछ और बोलता है। और भाई अभी मैं इस चैनल पे वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को कंपनी में कौन कौन सी कंपनियों में आना है, कौन कौन सी कंपनियों में नहीं आना है, आप लोग अगर जो कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन सी कंपनी में आना है, कौन से में नहीं आना है। बाकी अगर जो आप कुवैत आएँ तो कोशिश करें कि आपका 150+ ही सैलरी रहे, मैं तो वो भी कम ही बता रहा हूँ, लेकिन 150+ सैलरी रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका 20 दिनार चले जाएगा खाने में और 5 दिनार चले जाएगा मोबाइल में, तो बचता कुछ नहीं है भाई। हम लोग तो आए थे बहुत कम सैलरी में, लेकिन आप लोग जब भी आएँ तो अच्छे सैलरी में आएँ, तो यहाँ पे कुछ बचत है, नहीं तो कुछ बचत नहीं है। बाकी एक दिनार का 272 रुपये बनते हैं। आप अगर जो कोई पार्ट टाइम काम मिल जाता है तो आपको अच्छा पैसा बच जाएगा, पार्ट टाइम काम नहीं मिलता तो आप उसी सैलरी पे ही डिपेंड रहोगे। तो कभी भी आओ तो 150+ KD सैलरी पे आओ। बाकी कोई सवाल सुझाव तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं अभी कुवैत में इंशाल्लाह मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।